toprağa senin kanadını ıslattılar Nurit. Andolsun. Sana bunu yapanlara bir anlar. Her şeyin tek suçlusu sizsiniz. Ne yaptınsa ağam için yaptı. Nurit. Bu yaptıkları yanına kalacak Selahattin. Her şey çözüm Sultan Nurettin'dir. Allah'ın izniyle bulacağım. Azaldır. Zengi devletini yok edeceğiz. Ben sana bir haber gönderirim. Sultan Nurettin vefat etti. Zengi diyarındaki bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak. Baskın hazır ol. Sultan Nurettin nerede? Gayrı kılıçların kınından çıkma vakti geldi. अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जिसको हर कोई ढूंढ रहा है, अगर हम दूसरे ट्रेलर को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि सलाहुद्दीन को भी इसके बारे में नहीं पता, यानी कि नूरुद्दीन जंगी कहां पर है। लेकिन अगर हम यहां पे गौर करें तो ऐसा होना भी मुमकिन है कि ये एक मंसूबा हो। यहां पर हम अमीर को देख सकते हैं, जिस वजह से ऐसा होना भी मुमकिन है कि सलाहुद्दीन दिखाने के लिए नूरुद्दीन जंगी को ढूंढ रहा हो। खैर, नूरुद्दीन कैसे बचेंगे, कौन बचाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पिछली एपिसोड के आखिर में आप ने देखा होगा, सुल्तान जख्मी हुए और पानी में गिरे। और जो पहला ट्रेलर था उसमें हमने देखा था कि सलाहुद्दीन भी पानी में कूद जाता है, और हमने आपको बताया था कि सुल्तान को सलाहुद्दीन यूं भी बचा लेंगे। लेकिन जो हमने दूसरा ट्रेलर देखा उससे तो यह जाहिर होता है कि सलाहुद्दीन ढूंढ नहीं पाया। लेकिन अब सवाल यह है कि अब नूरुद्दीन जंगी कहां पर है। नाज़रीन, जहां तक मेरी राय है, नूरुद्दीन जंगी को उमर मेला बचाएंगे। उमर मेला ही ऐसे शख्स हैं जो कि नूरुद्दीन जंगी को बचा सकते हैं, या फिर इस्मत हातून, ये दोनों बचा सकते हैं। अलबत्ता जो हम पहले राय दे चुके हैं कि सलाहुद्दीन भी नूरुद्दीन जंगी को बचा सकता है, तो ऐसा होना भी मुमकिन है। तो वैसे इन तीनों में से सुल्तान को कौन बचाएगा, इसके बारे में आप सबकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।